टू धनुका एग्री एकेडमी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आईसीआर से रिलेटेड। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर प्राइवेट कॉलेज वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उसी का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आईसीआर में जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं जिन जो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं हैं, वे लोग इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो बात मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। ICRPG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये 2020 का, जिसमें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के इस पाँच बजे तक ये चलेगा। एप्लीकेशन आपको इसी के दौरान भरना है। और ये जो है OBC के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है 1100 रखा गया है और ST/ST के लिए 550, ठीक है। और थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम का डेट है 1 जून को। और फोर्थ हम बात करेंगे कि जो एकेडमिक सीज़न है इसमें 88 सिटीज़ पे कंडक्टेड होगा एग्ज़ाम। और फिफ्थ है आपका मास्टर डिग्री आर अवार्डेड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन अबाउट 96 सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट जो 96 हैं और 20 मेजर सब्जेक्ट है उसके अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। सिक्स है स्कोरिंग जो है वो 4 मार्क का आपका, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो, और निगेटिव मार्क इसमें है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो दोस्तों पब्लिक नोटिस को पढ़ते हैं जो डेट 1 मार्च को आया था। इसमें अपने को पढ़ने लायक ये चीज़ है कि जो ICR UG का एग्ज़ाम है 600 मार्क का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे 150, और ये एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट का होगा, ठीक है। और PG के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें 480 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 120, ये भी जो है 2 आवर्स का होगा। और ICR GRF SRF का जो एग्ज़ाम है वो भी 480 नंबर का होगा, और ये भी जो क्वेश्चन नंबर है वो 120 होंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जो 20 है वो जनरल एग्रीकल्चर या फिर करंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें पूछी जाएगी इसमें, और ये जो है 50-50 सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये CBT एग्ज़ाम है, जैसे कि NTA कंडक्ट कर रहा है तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं हम स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप फर्दर इफ़ ICRPG स्कॉलरशिप होल्डर सीक फ्रेश एडमिशन इंटायर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय हिम शैल हैव टू बी रिफंडेड बैक टू यूनिवर्सिटी विद इंटरेस्ट। द स्कॉलरशिप विल बी एट द रेट ऑफ 12,640 पर मंथ टुगेदर विद द कंटीजेंट ग्रांट ऑफ RS 600 पर ईयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल केमिकल इक्विपमेंट बुक्स एंड ट्रैवल कनेक्टेड विद द 5 रिसर्च वर्क, ठीक है। तो ये जो 12,000 रुपये है आपको अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप में अगर आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होते हो, और जो 6,000 है वो पर ईयर आपको मिलेगा ये केमिकल इक्विपमेंट्स काम के लिए वगैरह रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। और जो नॉन ICRs में सिलेक्ट होते हैं उनको 5,000 मिलेगा, जिसको NTS बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिजिबल, जो मेन हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। एलिजिबल कैंडिडेट वो है जो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे जो है 10वीं उसके बाद 12वीं उसके बाद 4 साल का BSc एग्रीकल्चर डिग्री किया होना चाहिए ICR से एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और नॉट एलिजिबल कौन है, वे कैंडिडेट है फ्रॉम प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉट एक्रीडेटेड बाय ICR इवन थ्रू एफिलिएटेड टू पब्लिक फाउंडेड गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ओनली दोज कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्रीडेटेड बाय ICR आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम हु हैव कम्प्लीट देयर डिग्री इन प्रोग्राम एग्रीडेटेड बाय ICR। फर्दर इन केस एनी डिग्री फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, यहाँ पर साफ लिखा है कोई अगर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी का बंदा है वो यहाँ पर नॉट कंसिडर्ड होगा एडमिशन के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एनी पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी हैज़ बिन डी रिकोगनाइज बाय UGC OR VSVCI ड्यू टू एनी कोड डायरेक्टिव्स प्रेजेंट और फर्दर ICR विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट टू दैट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी नॉट विलिंग टू एडमिट सच कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है जो UGC गवर्नमेंट से अगर वो यूनिवर्सिटी है तो वो एलिजिबल नहीं है, बाकी ICR से एग्रीडेटेड यूनिवर्सिटी वही एलिजिबल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन से जो यूनिवर्सिटी है वो एलिजिबल है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो भी है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो है जो पंजाब में है वो भी है बठिंडा में, और एम एस स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो उड़ीसा में है, देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कल्लूपुरम तैनी ये जो है तनऊ से एफिलेटेड है, और शिक्षा और अनुसंधान जो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी एप्लीकेबल है, और सेवन जो है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो एग्रीडेशन है ये ICR की टीम जो है सर्च करती है, वहाँ पर जाकर दो चार दिन थोड़ा सा सर्च करती विजिट करती है, उसके बाद उनको जब वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई देता है, रिसर्च वर्क अच्छे दिखाई देते हैं, तब उनको वो एग्रीडेशन देता है, बाकी एग्रीडेशन नहीं देता। बाकी हमारे यूनिवर्सिटी की बात की जाए IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसमें भी बहुत सारे प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया है, और इसके लिए कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया था, फोर्स भी किया था, UVC को एप्लीकेशन भी दिया था, बट पता नहीं कुछ कारणवश कैसे वो काम नहीं कर पाए, और ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को इसमें चांस देना चाहिए, क्योंकि GRF ICR जो है अच्छा अवसर होता है किसी भी स्टूडेंट को अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं OGPA परसेंट भी इसमें देखा जाता है, जो 6 points अगर 10% आपका OGPA है टोटल है तो उसमें अगर 6.60 से ऊपर आपका होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये दिया हुआ है अगर 4 अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी 4 ग्रेड में देखता है तो वो उसमें 2.60 आना चाहिए, अगर 5 ग्रेड में देखता है तो 3.25 आना चाहिए, ऐसे ये डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है 31/8/2020 में आपको 19 ईयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट नोटिस था, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था मेरे को कि सर प्राइवेट कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले एप्लीकेबल है नहीं है, तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, है ना, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हो तो इसको एक बार आप अच्छे से बुलेटिन जो है ICR का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप अगर SRF के लिए भर रहे हो तो SRF का PG बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप मास्टर डिग्री के लिए भर रहे हो तो आप PG बुलेटिन डाउनलोड करके उसको अच्छे से रीड करें केयरफुली, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है पूरे बुलेटिन में दिया हुआ है और बहुत सारा चेंजेस हुआ है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर चुका हूँ जो काम की होती है, जनरली लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो भी कुछ टिपिकल तरीका है, मैं खुद उसको ट्राई कर रहा था तो मेरे को थोड़ा सा टफेस्ट लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक वीडियो बनाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICR GRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर, इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।